हम आपको बताते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे नोकिया के पुराने फ़ोन में बदल सकते हैं। बहुत ही गजब की ट्रिक है दोस्तों, यह चमत्कार देख के आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे पुराने ज़माने में इंटरनेट चला करता था, सेम वैसे ही यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। देखिए, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। यानी कि फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है, बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह काम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ फेसबुक, यहाँ पे बिल्कुल फेसबुक आएगा आपके सामने। जैसे पुराने ज़माने में आप चलाते थे फेसबुक, वैसे ही यहाँ पे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम लॉगिन करके चला सकते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, उनको हैरान करना चाहते हैं, तो आप ये ट्रिक बिल्कुल उनको दिखा सकते हैं दोस्तों। जैसे फेसबुक के बाद आपको इंस्टाग्राम चलाना है, तो आप इंस्टाग्राम भी बड़े आराम से चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम लॉगिन करना है, और यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम बड़े ही आराम से चला सकते हैं। और बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, तो चलिए आज आपको मैं बताता हूँ ये एप्लीकेशन आखिर है कौन सी, जिससे आप इतनी आसानी से हर चीज़ चला सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसमें कैमरे से लेकर स्नेक गेम, पुराने ज़माने की जो चलती थी, वो भी खेल सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, रात के समय ये आपके फ़ोन को इतना आकर्षक बना देता है कि आपके दोस्त यार मित्र जो भी देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि आपने एंड्रॉयड फ़ोन को नोकिया फ़ोन में कैसे तब्दील किया। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है जी नोकिया का, ये एक लॉन्चर है, ठीक है जी। इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, जिसका नाम है नोकिया लॉन्चर। ये लिखेंगे आप, इसको इंस्टॉल करेंगे, तो आपकी जो स्क्रीन है बिल्कुल नोकिया फ़ोन की तरह बन जाएगी। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर पे आ सकते हैं, फिर आप नॉर्मल स्क्रीन की तरह अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और आप यहाँ से कॉलिंग भी फ़ोन कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए, है ना कमाल की ट्रिक।